आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और इसने फ्रांस को ही नहीं यूरोप के साथ साथ पूरे मानव इतिहास को इसने प्रभावित किया था। यानी कि पूरे मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की क्रांति को माना गया है। इसने मानव को स्वतंत्रता, समानता और मित्रता के नए विचार दिए और जो विश्व के प्रत्येक कोने कोने में फैल गए थे। इस क्रांति के बारे में जितना लिखा गया है, आप देखेंगे कि किसी और क्रांति के बारे में इतना नहीं लिखा गया। इस क्रांति के बारे में इतिहासकारों के अनेक विचार हैं और उनमें से एक हमारे इतिहासकार हैं राइकर, उन्होंने कहा है अपना, उन्होंने लिखा कि आधुनिक विश्व को दो क्रांतियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। और वो दो क्रांतियां कौन सी थी? वो थी फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, जिसे कि राज्य क्रांति कहा जाता है, दूसरा औद्योगिक क्रांति। इन दो क्रांतियों ने मानव को सबसे अधिक प्रभावित किया है आधुनिक विश्व के अंदर। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति जो है, आपने देखा 1789 में शुरू हुई, लेकिन ये विभिन्न चरणों में संपूर्ण हुई थी। यानी कि 1789 में हुई, फिर उसके बाद 1830 में लोगों ने फिर से विद्रोह शासन का किया, उसके बाद 1848 में और फिर 1870 में। तो इस तरह से विभिन्न चरणों में ये क्रांति संपूर्ण हुई थी और इस क्रांति ने विश्व की अन्य क्रांतियों को भी प्रभावित किया था। तो ये क्रांति जो है, इसके कारण क्या रहे? तो आप सबको पता है कि क्रांति जो है वो विभिन्न कारणों की वजह से होती है, कि इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं होता है। विभिन्न कारणों का सम्मिलित जो गुस्सा होता है जनता का, वो जब फूटता है तो उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। तो फ्रांस की क्रांति में भी कई कारण जो थे, वो कई कारक जो थे वो जिम्मेवार थे। जिसमें अगर हम बात करें तो पहला कारण आता है राजनीतिक निरंकुशता, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, धार्मिक भ्रष्टाचार आ जाता है। इसके साथ साथ पुरातन जो व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी, और इसके साथ साथ बौद्धिक चेतना ने भी फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा दिया था। यानी कि फ्रांस की क्रांति को बढ़ाने में ये कारण जो थे वो जिम्मेदार थे। तो राजनीतिक कारणों की जब हम बात करते हैं, तो राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण आता है निरंकुश राजतंत्र। क्योंकि फ्रांस के अंदर बुर्बो वंश का शासन काल था, तो बुर्बो वंश के शासन काल में लुई 13वां ने जो था सामंतों का दमन करके निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को स्थापित किया था, और उसने राज्य जो था पूरा अपने अधिकार में ले लिया था राज्य की शक्तियों को। अगर कोई भी शासक निरंकुश राजतंत्र को अपनाते हुए प्रजा के हित के लिए कार्य करता है तो वो महान शासकों में गिना जाता है। लेकिन कोई भी राजा निरंकुश शक्तियां होने के बाद सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, अपने हितों का ध्यान रखता है, तो ऐसी स्थिति में प्रजा को निग्लेक्ट करने की वजह से प्रजा के अंदर असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। और इसी असंतोष की भावना ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा दिया है। तो लुई 13 का शासनकाल था, उसने निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया। उसके बाद लुई 14 आया, लुई 15 आया, लुई 16 आया, उन्होंने भी निरंकुश शासन व्यवस्था को एज इट इज चालू रखा, यानी कि और ज्यादा उसको बढ़ा दिया, निरंकुश शासन व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया, कठोर कर दिया। और लुई जो 14 था आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया था कि वो ही संपूर्ण शक्ति का अधिकारी है। यानी कि सभी गुण एक संपूर्णता ईश्वर में निहित है, वैसे ही किसी समाज के सभी व्यक्तियों का संपूर्ण शक्तियां राजा में निहित होती हैं, और इसीलिए उसने कहा था मैं ही राज्य हूं। तो लुई 15 और लुई 16 की बात करें तो उन्होंने भी निरंकुशता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। और लुई 16 ने तो ये कहा था कि चूंकि मैं चाहता हूं इसीलिए यह कानून है।
यानी कि मैंने सोच लिया, मैंने कह दिया वो कानून है, उसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और आप कहेंगे कि निरंकुश शासन व्यवस्था, राजा जो निरंकुश शासन व्यवस्था चला रहा था उसको प्रतिबंधित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। थी संस्था, दो संस्थाएं थी, एक जिसे कि स्टेट जर्नल कहा जाता था, जो कि जिसे कहा कि अधिवेशन बुलाया जाता था राजा की आज्ञा से, राजा की आज्ञा देता तो अधिवेशन बुलाया जाता था। और 1614 के बाद कोई भी अधिवेशन जो है फ्रांस में नहीं बुलाया गया था। दूसरी संस्था थी पार्लियामा। पार्लियामा एक तरह की उच्च न्यायालय था, न्याय व्यवस्था को देखना, न्याय करना इसका काम था। इसके साथ साथ राजा ने जो कानून बनाया है उसको पंजीकृत करने का काम भी न्यायालय करता था, ये पार्लियामा करता था। तो राजा जो कानून बनाता था उसको एक बार ये पार्लियामा जो है वो मना कर देता था, लेकिन अगर राजा दोबारा से उसको कानून को लागू करने का आदेश देता तो वो तो लागू करना पड़ता था, यानी कि वो उसे मना नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था के चलते जो था फ्रांस की जनता जो थी वो शासक वर्ग से पूर्ण तरह से नाराज थी। दूसरा आ जाता है इसमें कारण और आता है कि लुई 14 के उत्तराधिकारी, यानी कि लुई 14 के बाद लुई 15 आया, लुई 16 आया, तो दोनों के दोनों उसके उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। लुई 15 के शासनकाल में जो था लुई 15 जो था वो विलासी जीवन व्यतीत करता था, और उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वो सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर उलझ गया था, और जिसकी वजह से फ्रांस को जो था अपना काफी हिस्सा जो था वो विदेशी जो देश थे उनके साथ उनसे लेना। आप कह सकते हैं कि लुई 15 जो है वो उसने डुबो दिया था, और इसके साथ साथ लुई 16 जो था उसने तो और भी हदें पार कर दी। लुई 16 जो था वो भी बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, उसकी पत्नी जो थी वो रानी एंटोनिया जो थी उसने जो था वो भी बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी, बहुत ही ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करती थी। ये दोनों जो थे लुई 16 जो था उस वो जो था पेरिस से 12 किलोमील दूर जो था वर्साया का महल था वहां पर ही रंगरलियां मनाते रहता था, यानी कि प्रजा के हित के लिए कार्य नहीं करता था। और इसके जो अधिकारी थे वो भी इसकी चापलूसी में लगे रहते थे, और जो इसके आसपास थे जो इसके चापलूसी करते थे उनके लिए तो इतिहासकारों ने कहा है कि ये समय जो था उनके लिए स्वर्ण युग के समान था, स्वर्ण काल था। और फ्रांस के लोग जो थे राज दरबार को राष्ट्र की कब्र समझने लगे थे, और ये लुई 16 के शासनकाल में इसकी तो बिल्कुल अति हो गई थी। और लुई 15 जब लुई 15 ने अपनी जीते जी फ्रांस की व्यवस्था को देखते हुए ये कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, कि वो उसको पता चल गया था कि परिस्थितियां क्या हो गई हैं, और इसीलिए उसने ये वाक्य कहा था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और ऐसा ही हुआ, फ्रांस के अंदर 1789 में लोगों ने अपना गुस्सा जो था इस क्रांति के माध्यम से प्रकट किया था। उसके बाद राजनीतिक कारणों में एक और आप कह सकते हैं कि दोषपूर्ण शासन प्रणाली, आप इसमें कह सकते हैं कि दोषपूर्ण शासन प्रणाली, क्योंकि बुर्बो वंश के समय जो था 40 प्रांतों में फ्रांस को बांटा गया था, लेकिन लुई 13वां के जो प्रधानमंत्री था रिशेलू उसने फ्रांस को 36 भागों में, नए भागों में बांट दिया था, जिसे कि जिनेल टिज कहा जाता था, जिनेल टिज। और इनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था, एतादा, एतादा इनको कहा जाता था। और ये अधिकारी जो थे इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, और आप देखेंगे कि शासन इतना भ्रष्ट हो चुका था कि इन पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता जो ज्यादा से ज्यादा पैसा राजा को भेंट के रूप में देते थे, वही व्यक्ति जो थे वो इन पदों पर नियुक्त किए जाते थे। इसके साथ साथ जो था इन प्रांतों को के अंदर, प्रत्येक प्रांत के अंदर 12 उच्च न्यायालय होते थे, और लेकिन इन न्यायालयों के अधिकारी जो हैं वो भी भ्रष्ट हो गए थे। और आप कह सकते हैं कि इन प्रांतों को आगे जिलों में बांट दिया गया था, जिलों के बाद आगे इनको गांवों में डिवाइड किया कर दिया गया था, लेकिन सारी की सारी प्रशासन व्यवस्था यानी कि सेंट्रल प्रशासन व्यवस्था से लेकर गांवों तक की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी थी। लोग जो थे वो इससे दुखी हो गए थे, प्रशासनिक व्यवस्था थे।
इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था, यानी कि यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था कि वो प्रशासन या राजा के खिलाफ कुछ लिख सके, कुछ बोल सके, कुछ प्रकाशित कर सके, ये कोई अधिकार उनके पास नहीं थे। इसके साथ साथ ना ही वो राजनीतिक संगठन बना सकते थे, ना ही धार्मिक संगठन बना सकते थे। जो लोग ऐसा करते थे उनको कठोर दंड दिया जाता था। इसको अगर हम देखें तो जो हमारे दार्शनिक थे, वाक्लेयर थे या मिराबो जैसे जो दार्शनिक हुए, क्रांतिकारी हुए, उनको कठोर दंड दिया गया था, कारावास दिया गया था, उनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो इस तरह से जो था एक और व्यवस्था कर रखी थी इन सभी व्यवस्थाओं को दबाने के लिए, यानी कि लोगों को दबाने के लिए, उनके विचारों को कुचलने के लिए। लेटर दी कैचर एक आज्ञा पत्र था, उसके माध्यम से ऐसे लोगों को जो जिन पर शक होता था कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं या राजा के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं या संगठन बना रहे हैं, ऐसे लोगों को असीमित समय तक जो था वो जेल में डाल दिया जाता था। तो और इसके साथ साथ धार्मिक प्रतिबंध जो थे उन पर लगाए गए थे। फ्रांस के जो शासक वर्ग था वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और जो दूसरे प्रोटेस्ट धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनको कठोर दंड दिया जाता था, उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाए, उन पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, जिससे कि लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता जो थी वो भी यहाँ के लोगों को नहीं थी, और लोग जो थे लगातार ईश्वर शासन के खिलाफ होते जा रहे थे। उसके बाद आपका दूषित न्याय प्रणाली आप दे सकते हैं। दूषित न्याय प्रणाली के अंदर जो था, फ्रांस के अंदर जो था दो प्रकार के कानून चलते थे, कहीं पर रोमन कानून चलता था और कहीं पर जर्मन कानून चलता था। 400 प्रकार के कानून जो थे फ्रांस के अंदर थे, और जैसे जैसे सीमा बदलती थी वैसे वैसे ही कानून भी बदलते जाते थे। यानी कि एक कस्बे में जो कानून या जो कार्य उचित है वो ही दूसरे कस्बे में वो कार्य अनुचित माना गया। तो देखें तो इस तरह से जो था दंड व्यवस्था भी अलग थी। किसी कस्बे में उस मामूली अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता था, किसी उसमें कस्बे में उस मामूली अपराध के लिए जो था वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कोई दंड नहीं दिया जाता था, यानी कि वो वहां पर सही माना गया। तो इस तरह से जो हमारे दार्शनिक वाक्लेयर हैं उन्होंने इसके जो व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, उसके बारे में लिखा भी है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय कानून उसी प्रकार बदलते हैं जैसे कि उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। ठीक है, जगह जगह पर यानी कि थोड़ी थोड़ी सीमा पर कानून जो है वो बदल जाते हैं। और ये जो न्याय व्यवस्था, न्यायालय खोले गए थे जिन्होंने पालोमा कहा जाता था, वह उनके अधिकारी या जो न्यायाधीश होते थे वो भी भ्रष्ट होते थे, पैसे देकर उन पदों पर वो पहुंचते थे, और ऐसी स्थिति में जो आप कह सकते हैं अपराधी होता था वो पैसा देकर अपना दंड से मुक्त हो जाता था, निर्दोष साबित हो जाता था। दूसरा, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और वो गरीब है तो उसको दंड दिया जाता था। यानी कि ये न्यायाधीश जो थे ये भी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके थे, इसीलिए इन्हें चोगे वाले सामंत जो था वो कहा जाता था। ये लोग जो है वो अपनी जेबें भरने में लगे रहते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूषित कर प्रणाली की, तो दूषित कर प्रणाली भी एक बहुत बड़ा इसका राजनीतिक कारण में हम इसको गिनते हैं। क्यों? क्योंकि दो वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग और मध्यम, आप कह सकते हैं कि पहला वर्ग जो कि अधिकार प्राप्त था, दूसरा की अधिकार प्राप्त नहीं था, उसको कोई भी अधिकार नहीं थे। तो जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, टैक्स देने का अधिकार उसी को था। जिसको अधिकार प्राप्त थे वो टैक्स पे नहीं करेगा, वो वर्ग यानी कि वो उच्च वर्ग है, वो टैक्स नहीं पे करेगा। जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो था टैक्स, जो कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, वो टैक्सों में उनको भारी छूट दी गई थी। और इसके साथ साथ जिन जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था उस पद को भी बेचा जाता था, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन करेगा, अब जो अधिकारी होगा वो अधिकारी उस पद पर पैसा देकर पहुंचता, जो ज्यादा पैसा देगा वही कलेक्शन का अधिकारी बनेगा। तो वो व्यक्ति अपने पहले अपना पैसा कमाएगा, तो उसके लिए जो था वो जनता पर अनैतिक अत्याचार करेगा टैक्स इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो थे उस उन पर लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में लोग जो थे वो प्रशासन के पूर्ण रूप से प्रशासन के खिलाफ हो गए थे। दूसरा कारण आता है इसमें सामाजिक कारण,
तो सामाजिक कारण जो है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि समाज के द्वारा ही इसे क्रांति को किया गया था, यानी कि उच्च वर्ग ने तो क्रांति नहीं की, क्रांति किसने की, मध्यम वर्ग ने की। तो वो समाज के अंदर जो थी वो खाई जो थी, वो बीच की खाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। और इसमें फ्रांस के अंदर दो वर्ग मैंने बताए, एक तो वो वर्ग था जो कि अधिकार प्राप्त था, दूसरा जो था जो विशेष अधिकार विहीन वर्ग था, जिसे कि सुविधाहीन कहा जाता था। तो जो अधिकार प्राप्त वर्ग था उसके अंदर पादरी वर्ग आता था, उच्च पादरी आते थे, सामान्य पादरी आते थे, और कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, कुलीन वर्ग के अंदर भी दो प्रकार की कैटेगरी होती थी, और उस कैटेगरी का अंदर जो था वो प्राचीन कुलीन आते थे और नए कुलीन आते थे। तो प्राचीन कुलीन की बात करें तो वो तलवार के कुलीन होते थे, जो कि पुश्तैनी यानी कि पैतृक पद उनको मिले होते थे, यानी कि बाप के बाद बेटा उस पद पर जाएगा, उसके बाद उसका बेटा जाएगा, ऐसे ये पद जो थे वो पैतृक होते थे, और इनके संबंध पुराने सैनिक परिवारों से होते थे। फ्रांस की जनता का 20% जमीन जो थे वो इनके अधिकार में थी, 50% जो है वो उसके पास है, चर्चों के पास है, ठीक है, 20% इनके पास है। और इसके बाद भी इनकी कैटेगरी और डिवाइड होती थी दो, यानी कि दरबारी सामंत और प्रांतीय सामंत, यानी कि प्राचीन कुलीन जो है वो आगे दो भागों में डिवाइड होते हैं, दरबारी सामंत और प्रांतीय सामंत। दरबारी सामंत यानी कि जो राजा के इर्द गिर्द रहते हैं, राजा को सेंट्रल उसके अंदर राजा के की मदद करते हैं, वो अधिकारी हो गए। प्रांतीय अधिकारी जो कि 36 भाग में फ्रांस को विभाजित कर दिया गया था, प्रांतों में बांटा गया था, उनके अधिकारी होते थे, यानी कि वो वहां पर शासन चला रहे हैं। ठीक है, तो जो था फ्रांस का राज्य जो है वो केंद्र पर आधारित नहीं था, अन्य जो भी थे यानी कि दरबार में है वो अपना शासन चला रहे हैं, सामंत जो प्रांतीय सामंत है वो अपना चला रहे हैं, जो चर्च है वहां पर जो पोप है जो पादरी है वो अपना शासन चला रहे हैं। इनके लिए तो चर्च के लिए कहा भी गया था कि चर्च जो है वो फ्रांस के अंदर एक और राज्य है, एक छोटा राज्य है चर्च, और चर्चों के पास इतनी शक्ति हो गई थी कि चर्च के जो पादरी थे वो निर्धारित करते थे कि राजा को क्या कानून बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा शक्ति इनके पास थी, बहुत ज्यादा पैसा था, 1/5 हिस्सा भूमि का इनको दिया गया था जिससे कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, और इसके साथ साथ जो ये उच्च पादरी जो होते थे ये जनता से टिथ कर लेते थे, किसानों से टिथ कर लेते थे, और इसके साथ साथ जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय या जितने भी सामाजिक संस्कार होते हैं उन सबको का ये पूर्ण कराते थे, तो उनसे भी पैसा आता था। और इतना ज्यादा पैसा इनके पास हो गया था, इतनी ज्यादा इनके पास शक्ति आ गई थी जिसकी वजह से इनका इन्होंने विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से लोगों का मन जो था वो इनकी तरफ से हटना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ आपका आ जाता है, हम प्राचीन कुलीन वर्ग की बात कर रहे थे तो उसमें हमने प्राचीन कुलीन पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा आता है नए कुलीन। ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा पादरी का टॉपिक आ गया था तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्राचीन कुलीन को, यानी कि प्राचीन कुलीन दरबारी सामंत और प्रांतीय सामंत में बटे हुए थे, उसके बाद नए कुलीन थे। नए कुलीन वो थे जो कि उच्च सरकारी पदों पर पैसा देकर आए थे, इन्हें वस्त्र कुलीन कहा जाता था क्योंकि एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते थे, इसलिए इन्हें वस्त्र के कुलीन कहा जाता था। जो परंपरागत थे, जो जिनके पद पैतृक थे, उनको तलवार के कुलीन कहा गया। तो ये क्या है नए कुलीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो नए कुलीन जो है उन्हें वस्त्र के कुलीन भी कहा जाता था, और इसके साथ साथ ये जो थे वो उच्च पदों पर अधिकारी होते थे, पार्लियामेंट में, न्यायालयों में, इन पदों पर को खरीद कर यहाँ तक ये पहुंचते थे। तो उसके बाद तीसरा वर्ग आता है जो कि साधारण वर्ग आता है। साधारण वर्ग जो है वो भी तीन कैटेगरियों में बटा हुआ था, मध्यम वर्ग जिसे कि बुर्जुआ वर्ग कहा गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बुर्जुआ वर्ग कहा गया है। तो ये वर्ग कौन सा होता था, ये वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग था जिसके अंदर शिक्षित यानी कि शिक्षक होते थे, अध्यापक, साहित्यकार होते थे, व्यापारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सरकारी कर्मचारी जो कि छोटे पदों पर हैं, ठीक है, ये लोग शामिल होते थे। ये लोग जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था, ठीक है, यानी कि छोटे पदों पर हैं, ये वर्ग शिक्षित होते थे
और शासन इतने योग्य होते थे लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये शासन उच्च पदों को खरीद कर वहां तक पहुंच सके, लेकिन ये योग्य होते थे। और इसी योग्यता ने जो था इस फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में काफी मदद की थी, क्योंकि ये अपना अधिकार चाहते थे कि हम योग्य हैं तो हम योग्यता के बल पर उस पद पर जाए ना। ऐसा नहीं है कि खरीद कर आप उसके योग्य भी नहीं है और आप पैसा देकर उस पद को खरीद रहे हैं और वहां पहुंच गए। तो इस तरह से ये वर्ग जो था ये भी फ्रांस की क्रांति में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आता है शिल्पकार वर्ग, मजदूर वर्ग और फिर किसान वर्ग। शिल्पकार वर्ग जो था, मजदूर वर्ग जो था, ये भी इस क्रांति में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या जो है 25 लाख के आसपास थी, जो कि शिल्पकार या मजदूर वर्ग था। और किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की संख्या जो थी वो कुल जनसंख्या का 9/10 हिस्सा थी, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो किसानों की थी और सबसे ज्यादा शोषित जो थे वो भी किसान ही थे, क्योंकि इनको पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे, इतना ज्यादा टैक्स इनसे लिया जाता था, कुल उपज का 1/10 हिस्सा इनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और इसके वजह से जो था इनके पास इतना टैक्स देने के बाद अपने परिवार का पेट भरने, दो टाइम का भोजन देने के लिए भी अनाज इनके पास नहीं बचता था। और कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी शासन की तरफ से, पुराने तरीके से खेती करते थे, कोई भी व्यवस्था इनको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से उत्पादन जो था वो लगातार कम हो रहा था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, लोग जो थे इतना ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से अन्य जो क्षेत्रों में किसान जो थे खेती करके करना छोड़ गए। तो इस तरह से जो था आपने देखा कि सामाजिक वर्ग जो था, वर्गीकरण कि किस प्रकार से फ्रांस का समाज जो था वो बटा हुआ था। उसके बाद आपका आ जाता है आर्थिक कारण आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। तो थोड़े थोड़े आपको सभी पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं, सामाजिक राजनीतिक कारण लिखने हैं, सामाजिक कारण लिखने हैं और आर्थिक कारण लिखने हैं। तो आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें तो पहला कारण आ जाता है संपत्ति का असमान वितरण, क्योंकि आपने देखा कि 50% से ज्यादा जो थी वो भूमि किसके पास थी, 2% जो कि कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के जो लोग थे उनके पास, जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे उनके पास भूमि थी। कुल जनसंख्या का कितना है, सिर्फ 2% है, लेकिन 50% जो है उनके पास भूमि है। उसके बाद जो है बाकी की भूमि जो है उनमें से 1/5 हिस्सा जो है वो चर्चों को दिया गया है, बाकी की भूमि जो है वो किनके पास आती थी, वो किसानों के पास आती थी। तो इस तरह से जो था 98% जो लोग थे वो 1/3 पर सर्वाइव कर रहे थे और बाकी के जो थे कुलीन वर्ग के लोग थे उनके पास जो थे वो ज्यादा भूमि थी। तो ये सामंत थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े अधिकारी जो थे जिनके पास बहुत सारी भूमि थी। तो ये असमान वितरण जो था उसने भी क्रांति को जन्म दिया था, जिसकी वजह से पैसा जो था वो सिर्फ अमीर वर्ग के पास था, गरीब वर्ग के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और के अलावा जो था टैक्स जो था वो किसको पे करना पड़ रहा था, जो गरीब वर्ग था उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, जिसके पास पैसा है नहीं, और जिसके पास पैसा है उसको सुविधाएं मिली है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है तो करना है, ठीक है, वो भी कंपल्सरी नहीं कर रखा था। उसके बाद आता है कृषि व्यवस्था में कमियां। कृषि यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, औद्योगिक कृषि क्रांति हो चुकी थी, आधुनिक विश्व की बात हम कर रहे हैं, आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, तो उस समय कृषि क्रांति हो चुकी थी, आधुनिक आविष्कार जो थे वो कृषि के हो चुके थे। फ्रांस में अभी तक इसको अपनाया नहीं गया था। स्वतंत्र किसान और दास किसानों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे थे। किसानों को जागीरदार के खेत में बेगार करनी पड़ती थी। किसानों को अनाज जो बचता था अब वह उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बचना नहीं है ना, 1/10 हिस्सा जो टैक्स में जाएगा उसके पास क्या बचेगा, तो इसलिए ज्यादा मेहनत वो कर भी नहीं रहा था। और पुराने तरीके से जो कृषि की जा रही थी, जैसे पुराने औजार थे, हल बैल, इनसे खेती हो रही थी, तो इसलिए फ्रांस की कृषि जो थी वो लगातार पिछड़ती जा रही थी और टैक्स जो था जिसके वजह से आर्थिक स्थिति फ्रांस की खराब होती जा रही थी। उसके बाद आ जाता है व्यापार पर प्रतिबंध। फ्रांस में विदेशी व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे,
लुई 14 के मंत्री कालबर्ट ने व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए फ्रांस को वाणिज्यवादी देशों में शामिल किया था, परंतु 18वीं सदी में वाणिज्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप व्यापार पर कड़ा नियंत्रण था। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विभिन्न चुंगियां देनी पड़ती थी, जिससे माल की कीमत बढ़ जाती थी। ये व्यवस्था व्यापार को हतोत्साहित करती थी। विभिन्न प्रांतों में मापतोल के साधन एक समान नहीं थे, समान मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, समान कानून नहीं थे, जिसका की प्रभाव किस पे पड़ रहा था, व्यापार पर पड़ रहा था। और इसके साथ साथ विदेशों में व्यापार करने के लिए बहुत से नियम बनाए गए थे, प्रतिबंध उन पर आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ उत्पादन ग्रिड प्रणाली से होता था। ग्रिड व्यवस्था जो है ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके अंदर व्यापारी जो है अपने औजार और माल जो है वो कारीगर के घर पर छोड़ देता था और वहां से तैयार माल वो खरीदता था, और उसमें का के अंदर जो थे कारीगर जो थे अपना प्रशिक्षण, अपने जो जूनियर्स होते थे उनको प्रशिक्षण देते थे, और ऐसे ही जो था काम चल रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्पादन सिर्फ उतना ही होता था जितना कि उस समय की जो जरूरत है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं हो रहा था, और इसके साथ साथ जो था गुणवत्ता भी असर कर रही थी कि जैसा व्यापारी माल देगा वैसा ही तो कारीगर बनाएगा, ठीक है। और इस प्रकार फ्रांस में न तो उद्योग तथा न ही व्यापार विकसित हो रहा था, और इसलिए मध्यम श्रेणी के व्यापारी और पूंजीपति जो थे वो अपना जो था व्यापार जो था उनका लगभग आप कह सकते हैं कि उन्होंने व्यापार जो है उनका नुकसान में जा रहा था। गिल्ड व्यवस्था के अंदर जो था इन व्यापारियों ने नियम बना रखे थे, इनके अपने अपने कानून थे कि इतने घंटे काम करना है, इतना वो सब व्यवस्थाएं थी। इसके साथ साथ एक आर्थिक कारण और था, वो था कि ऋणग्रस्त, यानी कि फ्रांस, मैंने आपको बताया लुई 15वां जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को उसने छूट दिया था, और जिसके चलते जो था उसको बहुत सारा पैसा जो था अन्य देशों से ब्याज पर लेना पड़ रहा था, और 1788 ईस्वी में कुल राजस्व का जो था 1/3 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में ऋण के रूप में देना पड़ा था। वो ऋण है, असल अभी बाकी है, ऋण जो था वो चला जाता था। इसके बाद जो था राजस्व का 3/4 भाग सुरक्षा के लिए जो था वो खर्च करना होता पड़ता था, और इसके साथ साथ जो था अन्य खर्चे जो थे, क्योंकि आपको बताया कि राज परिवार जो था यानी कि जो वो वंश था उसके जितने भी शासक आए वो सब विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनका वह उनका खर्चा निकालने के लिए जो था वो नागरिक जो प्रजा के पर खर्च किया जाना है, यानी कि प्रजा की भलाई के लिए जो खर्च किया जाना है, कृषि के लिए किया जाना है, स्वास्थ्य के लिए, वो सब खर्चों में जो था वो कटौती होती थी, और जिसकी वजह से स्थिति जो थी वो सुधरने की बजाय ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। दोषपूर्ण कर प्रणाली आप कह सकते हैं कि टैक्स जो था जो धनी बच्चे जो दे सकते थे वो टैक्स दे नहीं रहे थे, यानी कि वो फ्री थे, और जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं उनसे टैक्स लिया जा रहा है, तो टैक्स का वितरण जो था वो बहुत ज्यादा बेकार था। अगर जो अमीर वर्ग के जो लोग थे जो जिनको टैक्स फ्री कर दिया गया था, अगर उनसे टैक्स लिया जाता तो बहुत सारा पैसा जो था वो टैक्स के रूप में आ सकता था, जिससे कि आर्थिक स्थिति फ्रांस की ठीक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, और ये जो था ज्यादा गैप जो था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस जो था उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। और इसके साथ साथ 1787 और 88 में फ्रांस के विभिन्न भागों में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से जो कहीं से कृषि होती थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है, कृषि का उत्पादन बिल्कुल ही गिर गया। इसके साथ साथ कृषि पर आधारित जो उद्योग थे वो भी ठप हो गए, तो आर्थिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल धराशाही किसान फ्रांस की हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जो किसान थे, जो गरीब वर्ग के जो लोग थे, चाहे वो मजदूर थे, चाहे किसान थे, चाहे शिल्पकार, उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई थी, तथा उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था, जिससे कि क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये थी फ्रांस की क्रांति के कारण, जिसमें कि आपको बताया कि राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे और आर्थिक कारण भी थे।
तो आज का टॉपिक हम यही करते हैं, खत्म करते हैं कि फ्रांस की क्रांति होने के क्या कारण थे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।